आप बास्केटबॉल खेलना कैसे स्टार्ट किए? मैं बास्केटबॉल 2005 में स्टार्ट किया, और जब मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट किया आई थिंक मैं अपने गांव में पहले तो जैसे ही नॉर्मली खेलता था जैसे क्रिकेट वगैरह, और उसके बाद जब मैं वापस लुधियाना में आया तो कोई मेरे डैड के दोस्त थे, उन्होंने बोला अभी तेरे को जगह हम किसी गेम में डाले तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने फिर मेरे डैड की हेल्प की, तो डैड ने फिर बोला भी सपना जगह तेरे को कोई गेम खेलना चाहेगा, मैं डैड कोई बात नहीं मैं खेल लूँगा, तो मैंने तब बोला तो डैड बोले ठीक है, तो मैं उस दिन उन्होंने जो आरिस गिल साहब ने जो RDGP गिल ने बास्को फेडरेशन के उनसे मैं मिला, उनके बाद फिर मैं तेजा सर को मिला और वहाँ पे लुधियाना में गया, और लुधियाना में जाके फिर मैंने अपनी बास्को स्टार्ट की वहाँ से, और 2005 में मैंने स्टार्ट की थी। 19 साल की उम्र में आप NBA ड्राफ्ट के लिए जा रहे हैं, आपको मतलब आपका बास्केटबॉल का सफर कैसा रहा? मैं जब से मैं 2005 से जब भी मैंने स्टार्ट किया बास्केटबॉल, सबसे पहले तो मैं वहाँ पे लुधियाना में डॉक्टर से सीखता रहा, और उसके बाद फिर मैं स्टेट खेला अपने पंजाब की स्टेट से खेला और लुधियाना से खेला, वहाँ पे अच्छा खेलते खेलते फिर मेरे को इंडिया के जो भी कोचेस पहले थे जो इंडिया टीम के और हमारे सिद्धार्थ तेजा सिंह तालिबान ने, उन्होंने मेरे को बोला सत्या भी इंडिया कैंप में जाना चाहता है, मैं बोला हाँ जी सर मैं जाना चाहता हूँ, ये बात थी 2007 और 2008 की बात थी ये, तो 2007 और 2008 में मैं 93 वाली जो जूनियर यूथ हुई थी वहाँ पे मैं खेलने गया, और वहाँ के जो अमेरिकन कोच था उसने बोला, उसने फिर मैं कोच को फ़ोन किया कि ये लड़का मेरे को चाहिए और मैं इसको टीम में लेके ही जाना है, और अच्छा लड़का और अच्छा खेल भी रहा, और वहाँ पे फिर मेरे को अच्छा चांस मिला आगे आने के लिए, तो मैंने वहाँ पे अच्छा किया, और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को और इम्प्रूव करके उसके फिर मैंने जैसे कि मान लो 93, 95 और 94 जो जूथ हुई थी उसमें अच्छा किया, उसमें अच्छा खेलता रहा, हरीश शर्मा सर ने मेरे को देखा कि वाकई में अच्छा लड़का और आगे आ सकता है, फिर उन्होंने जब भी वो अमेरिका जो हमारे जो कोचेस थे दूसरे कोचेस तो उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग और दी मेरे को, इसलिए फिर वहाँ पे 2010 तक तो मैं वहीं पे रहा, उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ पे अमेरिका में आया था। IMG रिलायंस पहले जब 2010 में मैं पहले अपने गांव पंजाब में खेलता था, और वहाँ पे मेरे को अपने हरीश शर्मा सर जो थे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, हमारे जो तेजा सर उनको फ़ोन किया, और उनको फ़ोन करके बोला भी अगर हम लोग सतना को अगर हम लोग स्कॉलरशिप दिवाएँ तो अच्छा रहेगा इसके लिए, और इसकी हाइट भी है, इसके पास पावरफुल भी है, इसके सब कुछ है, आई थिंक ये आने वाले समय में और भी अच्छा स्किल बन सकता है इसके पास, तो उसने फिर तेजा सर को बोला कि हाँ भी वाकई में हम लोग बोल करना चाहिए, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली में आया, और दिल्ली में IMG रिलायंस और IMG अकेडमी के सब और कोच जाए वाटर कोच वहाँ पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने ट्रायल लिए कम से कम वहाँ पर जैसे कि 26 गर्ल्स और 24 बॉयज उनकी ट्रेनिंग थी वहाँ पर IMG कोचों के साथ, उन्होंने कोचिंग सबके साथ खेले और उन्होंने प्रैक्टिस कराई, और उनमें से चार लड़के और चार लड़कियां चूज की है, तो उनमें से चार लड़के और चार लड़कियों को IMG रिलायंस ने स्कॉलरशिप दी है, जो यहाँ पे आके हम लोग IMG में आके अपने आप को बेटर कर सकें। रोल मॉडल मेरा कोबी ब्रांड है, और कोबी ब्रांड क्योंकि मैं सबसे पहली जो गेम देखी थी इंडिया में वो कोबी ब्रांड की लेकर्स टीम देखी, और लेकर वॉज मियामी हीट्स थी, उनके साथ देखा था, और दूसरा प्लेयर जो है मेरा मेन वो इंडिया में है, वो इंडिया में जगदीप सिंह बैंस, जो इंडिया का सुपरस्टार प्लेयर है इस टाइम भी, बट उसकी इंजरी के कारण वो भी थोड़ा सा नीचे आ गए, पर आज भी उनको मैं उतना ही मानता हूँ जितना वो 3 साल 4 साल पहले था। और अपना जर्नी बताओ जो IMG में आने के बाद आप कैसे इम्प्रूव किए? IMG में जब मैं जहाँ पे आया था तब मैं कम से कम भी इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था प्लेयर, ठीक है, और उसमें से कम मेरे को अपने आप को और बेटर करना था, क्योंकि मेरे को स्किल चाहिए था, मेरे को बॉडी वेट भी चाहिए था, मेरे को मसल चाहिए था अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि मैं अंदर खेलना मेरे को बाहर से नहीं खेलना, तो अंदर ही शहर जो अंदर मेरा सेंटर है जो वही पावरफुल है, उसमें जब पावर गाइज जाएंगे उसमें कम से बॉडी बिल्डर ही होंगे, तो इस करके फिर मैंने उन वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आके मैंने अपनी मेहनत की बास्केटबॉल खेलने के लिए जो मेन है, और जैसे कि मान लो पहले यहाँ पे वेट लिफ्टिंग किया, अच्छी खुराक खाई, अच्छा खाना पीना खाया, और अपने आप को बेटर किया, उसके बाद फिर IMG में आके फिर मेरे कोचों ने मेरे को
हर एक एक मूव जो मैंने इंडिया में कभी किया नहीं था वो मूव मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे आके। मेरे को ऐसा लगा जैसे जिस हिसाब से जगह मैं मान लूँ अपने आप को, पिछले काफ़ी सालों से भी मैं जब भी इंडिया था तब तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। जैसे मैं जहाँ पे आऊँ, मैं इंजरी भी हुई है, मेरे इंजरी बहुत हुई है, मेरा सर्जरी भी हुई है, सब कुछ हुआ, मेरे कम से कम 2-3 साल तो वैसे मैं बर्बाद गई है, 2 साल तो मेरे बर्बाद गए हैं यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पे आगे मैंने इंजरी हुई है। और इसलिए मैं जहाँ पे अभी कम से कम पिछले साल मेरी इंजरी थी, ऐसा मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि अपना और बेटर करने के लिए, मैं ऐसा भी दिखाऊँ कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ अगले साल के लिए। मेरा आई थिंक अगर एनबीए ड्राफ्ट में नहीं हुआ तो भी मेरे पास एक चांस है, अगर मैं डी लीग, एनबीए डी लीग है जो एनबीए से थोड़ा नीचे है, वो भी एनबीए वालों की है, तो उन्होंने मेरे को उनके वहाँ पे जाके अपने और बेटर कर सकता हूँ और इम्प्रूव करके फिर अगले साल के लिए फिर मैं अपने एनबीए ड्राफ्ट के लिए फिर अप्लाई करूँगा, उसमें आ सकता हूँ आगे। फिर एनबीए डी लीग मेरे लिए और मेरे यूरोप जान तो जगह यूरोप जाऊँगा तो उत्थे जाके मैंने दूसरी लैंग्वेज सीखनी पेगी तो वे मैंने होर हार्ड हो जाना, जिन्ना हार्ड इतने से पहला आए तो आँदे पहला हार्ड से इंग्लिश सीखना तो उत्थे जाके फिर उही हो जाना, जगह मैं यूरोप जाना तो यूरोप जाके फिर मैंने अपने उन्होंने लैंग्वेज सीखनी पैनी है, तो इस तो बैटर है जो मैं डी लीग के इतने जाके अपने आप को होर बैटर कर लवान। आई थिंक ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है मेरे लिए, अगर मैं अपने आप को मानूँ तो मेरे लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, जहाँ इंडिया से खेलना और जहाँ से खेलना। जहाँ से ये है मैं मानता हूँ पिछले साल इन्होंने चाइना को हराया, मैं मानता हूँ इज रियली रियली गुड, मैं चाहना भी वो अगर इन्होंने इन्ना चंगा किया तो मैं चाहना अगे आगे फिर क्यों अपनी जी अगली टीम है आने वाली जो हम आऊगी अगली टीम आऊगी तो और होर बैटर करना चाहिए। मैं यही चाहता भी तू तो चाइना को हरा के बस कला भी एक मैच आप जित लिया, ईरान होगी, कोरिया हो गया, जापान हो गया, सारिया टीमों हरा बहुत जरूरी है, जे आप सारिया टीमों हरावे तो ही आप घटो अपनी चंकी प्लेस लैके आ सकते हैं, एक टीम को हरा के आप कुछ नहीं कर सकते। जे मैं चाहवा जे मैं उत्थे जावा आई थिंक सो जे मैं मौका मिले तो मैं जरूर करूँगा। जे इंडिया में बास्केट और बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले प्लेयरों को अपने आप को माइंड में यही रखना चाहिए कि हम लोगों को बस कुछ करना है, प्लेयरों को ये नहीं होना चाहिए या हम लोग ये करना वो करना, वो काफ़ी चीज़ें सोचते हैं। मैं जहाँ पे आया हूँ मैंने एक ही चीज़ सोची है भी मेरे को एनीवे में जाना है, मैं किसी भी हिसाब से जाना मेरे को वहाँ पे जाके हार्ड वर्क करना है, वही उनको सोचना चाहिए। जगह हम लोगों को बैटर करना है इंडिया में बास्केटबॉल तो उनको प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा नहीं है भी 1 हफ्ते के बाद फिर 2 हफ्ते के बाद ना, हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तब जाके इंडिया में बैटर हो सकती है। जगह मैं चाहूँ इंडिया में मैं भी खेल सकता हूँ, ऐसी भी बात नहीं, मैं वहाँ पे जाके अपने आप को अपनी ट्रेनिंग जो मैंने जहाँ पे सीखा मैं वहाँ पे आके सब कुछ सिखा सकता हूँ, पर नहीं मैं अब नहीं करूँगा, मैं तब करूँगा जब मेरे सामने सबके साथ एक जैसी प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहता हूँ सबके साथ हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क करेंगे हम शो सबसे बेटर होगा उनके लिए। हाँ जी, अजय मेरे लिए बहुत बेस्ट होगा जी, अगर मैं उनको उनको मैं एडवाइस दे जाऊँगा भी आप लोगों की जो उम्र है अभी आप बहुत छोटे हो, अभी से बहुत स्किल जो एनबीए में कॉलेज में जो स्कूल में अभी जो स्किल चल रहा है जगह वो अभी से स्टार्ट करेंगे तो हम शोर आगे आके उनको और इजी हो जाएगा बच्चों को, ठीक है। और मैं उनको ये भी दूंगा सलाह जी भी अपने आप को जगह बेटर करना और माइंड में एक चीज़ रखना जहाँ पर आप लोग पहुँचना चाहते हो और अपने मॉम डैड की एक्सपेक्ट करना और अपनी फैमिली की, ओके, और अपने कोचों की और जो बाकी जो पब्लिक है उनकी एक्सपेक्ट करना, जितनी आप लोग सबकी एक्सपेक्ट करोगे उतना आप लोगों को प्यार मिलेगा और आप उतना ही आगे बढ़ने का टाइम मिलेगा। किसी को मत गलत मत सोचना, किसी को बुरा मत सोचना, कभी जे सब जगह आप सब जगह बुरा सोचोगे एक दूसरे के बारे में कभी भी आगे नहीं पहुँचोगे। मैं यही देना चाहता हूँ प्लीज़ फोकस करो उसी चीज़ पर जिस चीज़ पर आप पहुँचना चाहते हो।